खाकी अखाड़े में 11 कुंडी महायज्ञ में 11 लाख महाआहुतियां दी जाएंगी। श्री गुरु पंचामृत नवम पुष्प अमृत महोत्सव में संक्रमण से मुक्त होने औषधियों का किया उपयोग उज्जैन। मंगलनाथ रोड स्थित श्री राम जानकी मंदिर खाकी अखाड़ा में श्री गुरु पंचामृत नवम पुष्प अमृत महोत्सव में प्रारंभ हुए महायज्ञ में 11 लाख आहुतियां डालने का संकल्प है। आवाश्री पंच रामानंदी खाकी अखाड़ा के श्री महंत अर्जुन दास खाकी ने बताया कि ज्योतिषाचार्य पंडित चंदन श्याम नारायण व्यास के आचार्यत्व में किए जा रहे हैं 11 कुंडीय महायज्ञ में 60 पंडित पूजा कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक कुंड पर 4 पंडित विराजमान हैं व 11 यजमान विराजमान हैं तथा प्रतिदिन 6 घंटे महायज्ञ का आयोजन 2 सत्रों से किया जा रहा है। यज्ञ में गाय के घी एवं कंडे का उपयोग किया जा रहा है तथा ज्योतिल एवं औषधियों के साथ मेवे भी अर्पण किए जा रहे हैं। भगवान श्री राम जी, माता सीता और श्री हनुमान के सहस्त्र नामों द्वारा शास्त्रों में वर्णित औषधियों से यज्ञ में आहुतियां डाली जा रही हैं, जिससे वातावरण में फैले संक्रमण का नाश हो। पंडित चंदन व्यास ने कहा कि यज्ञ प्रारंभ के दिन ही पानी गिरना अत्यंत शुभ माना गया है। श्री महंत अर्जुन दास खाकी ने बताया कि श्री भगवान महाकाल की अध्यक्षता में श्री विभूषित साकेतवासी श्री गुरुदेव भगवान राम दुलारे दास जी महाराज के नवम साकेत उत्सव में नित्याहीन पूजन व यज्ञ चल रहा है। साथ ही साथ श्री राम कथा व रामचरित मानस पाठ भी यह नित्य प्रतिदिन चल रहा है। आप एक कंकर और कांटे से भरे हुए जंगल के रास्ता कैसे पार करेंगे और ये धूप पे आपके जो बुराई है चेहरा पर मुरझाए पड़ जाएंगे, काले पड़ जाएंगे, इसलिए आप इस जंगल के कष्ट नहीं सह सकते। आप कृपा करके लौट चलिए। बताए किस तरह आयोजन चल रहा है। श्री गुरु कृपा केवलम कार्यक्रम अंतर्गत अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी खाकी अखाड़े में श्री राम मारुति महायज्ञ श्री राम कथा श्री रामचरित मानस नवापरायण ये 3 कार्यक्रम अभी वर्तमान में चल रहे हैं, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से, सभी माताओं बहनों से, सभी धर्म प्रेमी जनों से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आकर दर्शन का लाभ उठाएं। 5 जनवरी 2022 को सभी धर्म प्रेमी माताओं बहनों सज्जनों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक पधार कर भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। सुबह 11 बजे से शुरू होगा और जो